जब से ये क्रिकेट में गैम्बलिंग जुगार और जुगाड़ शुरू हुआ है, तब से मैच फिक्सिंग ये शब्द हमें बार बार कान पे आता है। अरे भाई मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है, ये मैच फिक्सिंग है। इस प्रकार की मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र में होने जा रही है आज 4 बजे। मैं इसलिए कहता हूँ, विधानसभा का जो हमारा स्पीकर या अध्यक्ष है मिस्टर नार्वेकर, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया कि आप निर्णय लीजिए, आप न्याय कीजिए इस बारे में, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। और हमारा जो कहना है, इस राज्य के मुख्यमंत्री गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर बैठे हैं, वो हमारे हिसाब से एक अपराधी है, आरोपी है। अगर न्यायमूर्ति न्यायालय ट्रिब्यूनल जाकर बंद कमरे में मुख्यमंत्री यानी आरोपी के घर में जाकर 2 घंटा बैठता है बार बार, तो आप क्या समझोगे? और आज फैसला है तो क्या आप आरोपी को आपका फैसला दिखाने के लिए गए थे कि मैं ये ऑर्डर देने जा रहा हूँ? ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर हमने ले ली है, रिकॉर्ड पर लाया है हमने। आज फैसला है और देश के प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को महाराष्ट्र में, उनका एक दौरा है, उनका टूर है, वो करने जा रहे हैं, रोड शो वगैरह नासिक में है। उसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है कि आज फैसला आने वाला है और संविधान कहता है ये सरकार गैरकानूनी है, अगर संविधान की हिसाब से फैसला हो तो ये सरकार गैरकानूनी हो सकती है और सरकार बर्खास्त हो सकती है, फिर भी मुख्य प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आज आ रहे हैं 2 दिन के बाद, उसका मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी है। इसलिए वो आत्मविश्वास है कि मैं आ रहा हूँ और सरकार रहेगी, निर्णय मुझे मालूम है। दूसरी बात, आज फैसला है गैरकानूनी सरकार का और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है वो डावोस में जा रहे हैं। अगर आपकी सरकार हम मानते हैं कि गैरकानूनी ठहर सकती है, असंवैधानिक करार दे सकती है, तो आप में इतना आत्मविश्वास कहाँ आया कि फैसला कुछ भी हो मैं बतौर राज्य का मुख्यमंत्री डावोस एक डेलीगेशन के साथ जा रहा हूँ? उसका मतलब आपको भी मैच फिक्सिंग के बारे में पूरी जानकारी है और आपको निर्णय पहले से मालूम है। ये सभी बातें, ये दोनों बातें, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आने की बात और मुख्यमंत्री दावोस जाने वाली बात, हम सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है। आज का जो निर्णय होने वाला है वो एक महज औपचारिकता है। Z News.